Hello students, myself Lalit Vijayan, Deputy Director of Motion Educational Private Limited, Kota. बच्चों, जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था नीट के महा रिविजन क्लास के लिए, वो जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, मैं ललित विजय आपके फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसका आपको रिविजन कराऊंगा. रिवीजन का तरीका क्या होगा कि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही इसका रिवीजन कराऊंगा, और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूं जो पहली बात तो ये कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और दूसरा वो जो क्वेश्चन है वो एकदम नीट पैटर्न पर है. ठीक है, तो बच्चों के मान के चलना आपका जो नीट का एग्जाम है उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन, या आप ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके नीट के एग्जाम में ऐसे कैसे आ भी सकते हैं. आप जब नीट का पेपर देंगे तब आपको हो सकता है ये लगे, वाह यार ये तो वही क्वेश्चन है जो सर ने हमको क्लास में बताया था. तो बेटे हो जाइए तैयार, और क्वेश्चन में हर चैप्टर में से आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि वो जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. तो तैयार है सब लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ मैं आपके लिए, केमिकल काइनेटिक्स. ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन देखे आपके सामने स्क्रीन पर है. इन द रिएक्शन 2H2O2 plus 2H2O से बना दिया O2. The rate of decomposition of H2O2 is 0.68 kg per hour. What is the rate of formation of O2 and H2O in kg per hour? मतलब आपको H2O2 का decomposition का rate दे रखा है kg per hour के अंदर, और आपसे बोला जा रहा है O2 और H2O के formation का rate, और वो भी same unit के अंदर. ये question है. जब भी इस टाइप के question आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम सबसे पहले इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन. देखिए ये आपको दे रखा है ना, अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आता है आर ओ आर इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी एच टू ओ टू अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस वन बाई टू डी एच टू ओ अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी O2 upon dt. ये मैंने बेटा इसका ROR लिख दिया. तो आपकी फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको उसका ROR लिखना, ये फर्स्ट स्टेप हो गई. ठीक है, अब क्या करें, अब आप ये देखें आपको गिवन क्या है. चलो उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये तो हमने इसका ROR लिखा, हमको जो रिएक्शन है रिएक्शन हमको दे रखा है 2H2O2 है. इस 2H2O2 से हमने 2H2 plus O2 का फॉर्मेशन कर दिया. अगर मैं इसकी स्टोइकोमेट्री देखो, इसकी स्टोइकोमेट्री है 2:2:1, इसका स्टोइकोमेट्री दे रखा है, इसका स्टोइकोमेट्री. ठीक है, इसको देख के क्या पता लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है 2:2:1 का मतलब ऐसे बोल सकते हैं जब H2O2 के 2 मोल का डिसोसिएशन होगा तो 2 मोल तो वाटर का फॉर्मेशन होगा और 1 मोल ही हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा. इसका मतलब स्टोइकोमेट्री हम जो है वो लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, नंबर एक. दूसरी बात, हम इसको बेटा ऐसे बोल सकते हैं कि जो H2O2 है जब H2O2 के 2 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है तो हमारे H2O के भी 2 मॉलिक्यूल का अब फॉर्मेशन होगा, और वाटर के भी सॉरी O2 के भी 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. यानी स्टोइकोमेट्री आप मॉलिक्यूल से लिख सकते हैं. आप ये भी लिख सकते हैं कि जो H2O2 है अगर इसके 2 वॉल्यूम का डिसोसिएशन होगा, H2O के 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा और O2 के 1 वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा. आप ये भी लिख सकते हैं. हाँ, अगर आप ऐसे बोलना चाहें कि सर ऐसे लिख दें क्या, इसका 2 kg जब डिसोसिएट होगा इसका 2 kg बनेगा और इसका 1 kg बनेगा, हम बोल देंगे ऐसे तो आप नहीं लिख सकते. रीजन, जो स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकोमेट्री कभी भी मोल और किलोग्राम में नहीं लिखी जाती है. स्टोइकोमेट्री आप चाहे तो इन टर्म्स ऑफ मोल लिख सकते हैं, आप चाहे तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं. तो बेसिकली ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनका अंदर होता क्या है, वो एक किसी के अपीयर और डिसअपीयर होने का रेट देगा और दूसरे के अपीयर और डिसअपीयर होने का रेट पूछा जाएगा. तो इसको सोल्व करने का तरीका हम ये देखते हैं कि जो हमसे पूछा जा रहा है और जो दे रखा है उन दोनों में कितने टाइम्स का रिलेशन होता है, ये हमको देखना होता है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये आर ओ आर लिखते हैं, तो आर ओ आर से कंपेयर किया जाता है. पर इस बात का ध्यान रखना जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसका खुद का रेट मोल में होना चाहिए. अगर किलोग्राम और ग्राम में दे रखा है तो आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते. यानी कंपैरिजन करने के लिए जिसे कंपेयर किया जा रहा है उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसका रीजन क्या है, स्टोइकोमेट्री ग्राम और किलोग्राम में नहीं लिखी जाती है. तो देखो इन्होंने हमको दिया क्या, इसने हमको दे रखा है H2O2 के डिसअपीयरेंस का रेट. गिवन क्या है, माइनस डी H2O2 अपॉन dt, इसका मतलब ये हम लिख रहे हैं H2O2 के डिसअपीयरेंस का रेट, और ये क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है.
0.68 kg पर आर, ये दे रखा है। अभी अभी हमने क्या बताया कि जो डिसअपीयर होने का रेट दे रखा है तो केजी में, पर आपको किस में लेना पड़ेगा, आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप कंपेयर करेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, जो 0.68 है ना, ये तो किलोग्राम में, सबसे पहले मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे जो किलोग्राम है वो चेंज हो गया ग्राम में, उसके बाद इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड किया, H2O2 का मोलिकुलर मास होता है 34, तो जैसे 34 से डिवाइड किया बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल पर आर के अंदर, ये कन्वर्ट हो गया मोल के अंदर। चलिए अब हमको जो लाना है वो जो फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, O2 के अपीयरेंस का रेट, इसका मतलब फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, प्लस DO2/dt, ये हमको पता लगाना है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि आपको जो फाइंड करना है और आपको जो गिवन है ये देखना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनको रिलेशन को देखने के लिए हमें ROR काम आता है, इसलिए हम ROR लिखते, तो ये ROR काम आएगा हमारे, ये देख लीजिए ROR। इस ROR को देखने से पता लग रहा है कि O2 के अपीयरेंस का रेट, ये रहा O2 के अपीयरेंस का रेट और ये H2O2 के डिसअपीयरेंस का रेट, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमको पता लग रहा है कि जो प्लस DO2/dt है, O2 के अपीयरेंस का जो रेट है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, वो H2O2 के डिसअपीयरेंस का रेट का हाफ है। चले जी वैल्यू पुट करें, 1/2 को 1/2 रखा, H2O2 का डिसअपीयरेंस का रेट वो तो हमने भी पता लगा लिया है, ये हमारे पास है 0.68 × 34 × 1000, पर जो आंसर है ये हमारे पास आता जाता है मोल पर आर के अंदर, ये तो मोल में आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आंसर तो केजी में देना है, अब हमारा काम क्या है, ये जो मोल है मोल को वापस केजी में चेंज करना। तो देखिए ये इसको ऐसे लिख देते हैं 0.368 × 34 × 1000, बेटा ये तो मोल के अंदर दे रखा है, मोल को किस में चेंज करूंगा, किलोग्राम में, तो सबसे पहले क्या किया, इसको मैंने मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 30, तो आपको पता है मोल को जैसे मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा ग्राम में, और जैसे इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, ये केजी पर आर के अंदर आ जाएगा। इसको सोल्व करके देख लेते हैं, देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 34 × 2 ये बनेगा 68.68 × 68.10 × 32, तो ये आ जाता है आंसर 0.32 आंसर, इसका आंसर आ रहा है 0.32 kg पर, ये हमारा O2 की अपीयरेंस का रेट आ गया। चलिए जी सेकंड जो है वो हमसे पूछा जा रहा है, सेकंड हमसे बोला इसने H2O के डिसअपीयरेंस का रेट, इसका मतलब सेकंड हमसे पूछ रहा है प्लस DH2O/dt, ये बन जाएगा आपके H2O के अपीयरेंस का रेट, ये H2O के अपीयरेंस का रेट आ गया। ठीक है वही तरीका है, आप ये देखें H2O के जो अपीयरेंस का रेट है वो H2O2 के साथ क्या रिलेशन बताता है, तो आप देख सकते हैं ये रहा 1/2 DH2O/dt ये इक्वल टू है -1/2 DH2O/dt के, इनको कंपेयर किया तो हमको पता लग रहा है कि जो प्लस DH2O/dt है ना ये हमारे पास आ रहा है -DH2O/dt की इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दिया 0.68 × 1000 × 34, तो ये जो है ये तुम्हारे पास आ जाएगा मोल पर आर के अंदर, पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला आंसर तुमको केजी में देना है, तो वापस यूनिट कन्वर्ट करें तो ये लीजिए, ये तो आपको दे रखा है, मैंने सबसे पहले इसको मोल मास से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मोल है ना, मोल को जैसे मोल मास से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा ग्राम, वाटर का मोल मास 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी के अंदर, ये केजी में कन्वर्ट हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। ठीक है इस 34 से ये जो 0.68 है ना ये आपका 0.2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करें तो ये आंसर आ जाता है 0.36 kg पर आर, तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो आंसर है वो हमारा 0.32 आ रहा है, सेकंड आंसर हमारा 0.36 आ रहा है, तो अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आंसर दिया जाएगा सी में दे रखा ना 0.32 और 0.36, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया पता है आपको, पहले जो किलोग्राम दे रखा था किलोग्राम को मोल में चेंज किया, तो कैसे चेंज किया, किलोग्राम से पहले ग्राम बनाया और फिर ग्राम से मोल बनाया। किलोग्राम से मोल बनाने का तरीका क्या है, किलोग्राम से मोल बनाने का तरीका है इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए ग्राम से मोल बनाने का तरीका क्या हुआ, किलोग्राम है किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ग्राम है ग्राम को मोल में चेंज करना है तो इसको मोल मास से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए, और फिर बाद में वापस क्या कर रहे हैं, जो मोल है मोल को किस में चेंज कर रहे हैं, पहले ग्राम में और फिर किस में चेंज कर रहे हैं, किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं।
मोल है, मोल को ग्राम में चेंज करना है तो आप क्या बोलोगे, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो हमने ये तो यूनिट कन्वर्जन किया इस क्वेश्चन के अंदर, ये तो किया, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इसी क्वेश्चन को और आसान बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, हमको क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, ये दे रखा है H2O2 के डिसअपीयरेंस का रेट दे रखा है 0.68 केजी पर आवर। अगर 0.68 है ना, सुनना बेटा, अगर 0.68 दे रखा केजी के अंदर, मान लो क्वेश्चन के अंदर केजी ना देके और हमको ये मोल दे देता, मोल पर आवर दे देता, इसका मतलब बेसिकली हमने ये जो यूनिट कन्वर्जन किस लिए किया, क्योंकि वो केजी में दे रखा था, उनको मोल में चेंज करना था। हाँ, अगर मान लो ये ऑलरेडी अगर मोल में दे दे तो फिर तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसका मतलब अगर ये मोल दे दे ना तो क्वेश्चन फिर आपका डायरेक्टली सोल्व हो जाता है। और एक बात और बताता हूँ, इसकी जो स्टोइकोमेट्री है, देखो H2O2 का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, और वाटर का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, दोनों का सेम कोएफिशिएंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका कोएफिशिएंट सेम होता है उनकी अपीयर और डिसअपीयर होने का रेट इक्वल होता है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, और H2O2 का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, और H2O का कोएफिशिएंट भी कितना है 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ H2O2 के डिसअपीयर होने का रेट और H2O का डिसअपीयर होने का रेट एक्जेक्टली सेम होगा। तो इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन मोल, अगर ये हमको H2O2 का रेट मोल में देता है ना, तो बेटा जी बताओ H2O के अपीयर होने का रेट भी डायरेक्ट सेम हो जाता। रीजन, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। तो जब ऑब्जेक्टिव में आए और अगर कोएफिशिएंट सेम दे रखा हो ना, तो आप समझ लेना इनके अपीयर और डिसअपीयर होने का एग्जैक्टली रेट सेम होगा। पर ऐसा तब कर सकते हैं, जब डायरेक्ट कब बना सकते हैं, जब हमको मोल में दे रखा हो। हाँ, अगर मोल में नहीं दे रखा, किलोग्राम में दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मोल में चेंज करना पड़ेगा, और मोल में चेंज करके और फिर कंपेयर करना पड़ेगा, और लास्ट में वापस अगर किलोग्राम में देना है तो मोल को वापस से केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको केजी वाला क्वेश्चन बता दिया, एग्जाम में मैक्सिमम ये हमसे मोल देके ही पूछता है। अगर मोल देके पूछा जा रहा है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने आपको ये इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इनको सोल्व करने का ये मेथड रहेगा आपका, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखा दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। अब फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी, इसे हमने बना दे सी प्लस डी, डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय 8 टाइम्स एंड डबलिंग द कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली बी सिंपली डबल द रिएक्शन रेट, व्हाट इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली हमसे पूछता रहता है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या होगा, आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। आपसे बोला जा रहा है कि जब हम ए और बी दो रिएक्टेंट है ना, दोनों रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं तो हमारा रेट 8 टाइम्स हो जाता है। अब देखो इसने बोला ए का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, बी का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, तो रेट डबल हो, रेट हमारा 8 टाइम्स हो गया। पर हमें यह पता नहीं है कि ए की वजह से कितना हुआ और बी की वजह से कितना हुआ, तो इसका मतलब इसको देख के हम अभी कुछ नहीं बता सकते। तो नेक्स्ट लाइन पढ़िए, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एंड डबलिंग द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी सिंपली डबल द रिएक्शन रेट। अच्छा, सेकंड लाइन क्या बोल रहा है कि बी की कंसेंट्रेशन को अगर डबल करते हैं तो वो बी रेट को डबल कर देता है। तो देखो इसने क्या बोला, बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया। तो अगर हम इसका रेट लिखना चाहें विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसका रेट लो क्या लिखा जाएगा बेटा, रेट लो इक्वल टू रेट इक्वल टू के। ए का पावर हमको पता नहीं है, पर बी का पावर तो हम 1 लिख सकते हैं ना। 1 कैसे लिख सकते हैं, तो इसने क्या बोला, बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, कंसेंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो जाए, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स हो जाए, हाफ करने पर हाफ हो जाए। इन सब का मतलब होता है पावर 1, यानी ये कंफर्म हो गया बी की पावर तो 1 आएगी, ये बी की पावर हमने 1 बना दी। क्लियर पॉइंट। चलिए अब हमने क्या किया, पहले सेकंड वाला सेंटेंस पढ़ा, अब मैं फर्स्ट सेंटेंस में जा रहा हूँ वापस। फर्स्ट सेंटेंस क्या बेटा, इसने क्या बोला, डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ। अच्छा, जब आप क्वेश्चन वगैरह बनाए तो एग्जाम में अंडरलाइन करने की आदत डाल देना, क्वेश्चन को अंडरलाइन किया करो, उससे क्या होता है जो की पॉइंट है वो आपके हाईलाइट हो जाते हैं। अब इसने क्या बोला, फर्स्ट लाइन कि ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन को जब डबल करते हैं तो रेट हमारा 8 टाइम्स हो रहा है। देखो इसने क्या बोला, बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया, इससे पता लगा बी की पावर 1, ये तो फिक्स हो गए। अब दूसरी बार क्या बोला, ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया, बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया, दोनों ने मिलकर रेट को 8 टाइम्स कर दिया। तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर रेट को 8 टाइम्स कर दिया, दोनों ने मिलकर 8 टाइम्स कर दिया।
भी क्या कहता है कि मेरी पावर तो वन है, आप मेरी कंसेंट्रेशन डबल करोगे तो मैं तो रेट को डबल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टू आ रहा है और दोनों के इक्वल में एट है, तो यार अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे तो आप इतना तो समझते होंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो फोर आना चाहिए ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि ए रेट को फोर टाइम्स कर रहा है। अच्छा, हम कंसेंट्रेशन कितनी कर रहे हैं, तो बोला ना ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन को डबल डबल किया, मतलब बी की कंसेंट्रेशन भी डबल करी और ए की कंसेंट्रेशन भी डबल करी। तुमको पता लग गया कि ए की कंसेंट्रेशन को डबल करने से ए रेट को फोर टाइम्स करेगा, ए तो करेगा फोर टाइम्स, बी करेगा टू टाइम्स, दोनों मिलकर कर देंगे एट टाइम्स। इससे हमको पता लग गया कि ए की कंसेंट्रेशन को डबल करने से ए की वजह से रेट हो रहा है फोर टाइम्स, ए का पावर लिख देंगे टू, ये ए का पावर टू। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए इसका रेट लो तो आंसर दिया जाएगा रेट इक्वल टू के ए पावर टू बी पावर वन, ये थर्ड आंसर दिया जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोलता है ऑर्डर विल बी तो आंसर देंगे टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, थ्री ऑर्डर दिया जाएगा। पता है कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कैसे, जैसे हमसे बोल देता है अगर क्वेश्चन में बोला रेट ऑर्डर विल बी तो आंसर क्या देना है टू प्लस वन इक्वल टू, आपको थ्री आंसर देना है। कई बार क्वेश्चन में पता है क्या बोलता है, वो बोलता है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, और बच्चे को इतनी जल्दी होती है एग्जाम के अंदर कि वो ऑर्डर, वो जो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए ना, उसको क्या पड़ता है वो केवल ऑर्डर, और वो ऑर्डर देके थ्री पे आंसर टिक कर देता है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब एक रेस्पेक्ट ऑर्डर देना था तो आंसर तो बेटा टू दे के आना था, और हम क्या करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी गलत टिक करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से पढ़े, ये जो गलती है ये तो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, वो बोलता है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए और हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टिक करके आ जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं फिर भी गलत हो जाता है। गलती क्या होती है, ये विषय मिस्टेक होती है। तो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर साथ में ये भी बताता चलूंगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक करते हो। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिया मैंने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ना, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हमारे मेडिकल के एग्जाम में आने के पूरे पूरे इसके चांसेस है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय, रेट लॉ दे रखा हमको के ए का पावर एन बी का पावर एम, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए इधर रेट जो दे रखा ना, रेट हमने बोल दिया चलो वो R1 है, R1 तो R1 इक्वल टू क्या लिखा हमने के A पावर हम लिख देंगे N और B पावर M, इसको बोल दिया हमने ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है बेटा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला क्वेश्चन में, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ A का कंसेंट्रेशन डबल कर दिया, तो मैंने बोल दिया चलो जी नया रेट हमारा R2 हो गया। आपको पता है ये जो रेट कॉन्स्टेंट होता है ना, रेट कॉन्स्टेंट पर बेस्ट क्वेश्चन पूछता रहता है। रेट कॉन्स्टेंट की बात करें तो सुनते जाइए, रेट कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन का होता है ना तो कभी वो टाइम के साथ चेंज होता है और ना ही कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव रेट कांस्टेंट के ऊपर बनता ही बनता है। तो रेट कांस्टेंट के बारे में क्या क्या बताया, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट टाइम और कंसेंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम एक ही कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हैं ना, तो क्या रेट कांस्टेंट चेंज होगा क्या, नहीं होगा, पहले कितना था के और अभी भी के रहेगा, तो देखो के की के जलेगा। ए का कंसेंट्रेशन क्या बोला, डबल कर दिया, पहले कितना था ए, अब ए की जगह क्या कर दिया टू ए, तो आप लिखेंगे टू ए का पावर एन, और बी का कंसेंट्रेशन आपने क्या लिखा, आप पहले कितना था बी, अब हो गया बी बाई टू, तो बी बाई टू का पावर ये हमने एम बना दिया। इसको देखें इसको अरेंज करें तो R2 जो है ना, R2 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, R2 इक्वल टू हो जाता है K 2 पावर N इनटू 2 पावर माइनस M A पावर N एंड B पावर M, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब मैं आपसे क्या बोला, आपसे पूछा जा रहा है कि नया रेट और पुराने रेट का रेशियो कितना होगा, तो आप एक काम करें इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाता है R2 अपॉन R1। देखो R2 पर R1 में क्या होगा, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, A की पावर N, B की पावर M, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता है 2 पावर N into 2 पावर माइनस M, इसको लिख सकते हैं 2 पावर N माइनस M, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पावर N माइनस M। ऑप्शन देखिए आंसर दिया जाएगा D 2 पावर N माइनस M। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने
ये आपको इसके साथ साथ रेट कॉन्स्टेंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो रेट कॉन्स्टेंट तो बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। और आप ये भी जानते हैं जो रेट कॉन्स्टेंट होता है, रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और रेट कॉन्स्टेंट पर टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस है उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं आर एन एस इक्वेशन, और वो होता है के इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये होता ही है। उसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि हम जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं तो ईच एंड एवरी 10 डिग्री से जब टेम्परेचर राइज करोगे तो उसका जो रेट है या उसका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो अप्रोक्स डबल से लेके ट्रिपल के बीच इंक्रीज हो जाता है। तो ये मैंने इससे रिलेटेड छोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए जो आपके क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन ले लिया हमने। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमने, ये भी ऑर्डर का क्वेश्चन है, रेट लॉ का क्वेश्चन है, पर हमने ये जो क्वेश्चन है ये हमने मैकेनिज्म का क्वेश्चन ले लिया। समझिए, क्वेश्चन दे रखा है इन हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए टू प्लस बी टू, इस हमने टू ए बी का फॉर्मेशन कर दिया। मैकेनिज्म को दे रखिए, फर्स्ट दे रखा हमको ए टू से ए प्लस ए का फॉर्मेशन कर दिया, ये फास्ट रिएक्शन है। सेकंड दे रखा है ए प्लस बी टू से हमने ए बी प्लस बी बना दिया, ये स्लो रिएक्शन है। थर्ड दे रखा है ए प्लस बी से हमने ए बी बना दिया, फास्ट रिएक्शन है। गिव द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर और रेट लॉ, तो रेट लॉ आ गया, ऑर्डर तो हम देख सकते हैं। चलो जी, कुल मिला के हमें रेट लॉ निकालना है। अभी जब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर मैकेनिज्म दे रखी होती है तो इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप समझते होंगे कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप में होती है, इसके कुछ स्टेप स्लो होते हैं, कुछ स्टेप फास्ट होते हैं, और जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और आपको एक बात और बताएं कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो जैसे मान लो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है या तीन स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री की तरह काम करता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट रिएक्शन है, तीन में कंप्लीट हो रही है तो तीन एलिमेंट रिएक्शन दे रखी है। और आपको ये भी बता दिया कि जो जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो स्लो स्टेप है उसको देख के इसका रेट लिखेंगे। तो स्लो स्टेप को देख हमने रेट लिखा, ये लीजिए स्लो को देख के रेट लिखते हैं। फ्रॉम स्लो स्टेप, हमने सबसे पहले इसका स्लो स्टेप देखा और स्लो स्टेप को देख के इसका रेट लिखा। अगर स्लो को देख के रेट लिखेंगे तो इसका रेट आ जाता है। सपोज मैंने मान लिया इसका रेट कॉन्स्टेंट के वन है, स्लो को देख के रेट लिखा तो रेट इक्वल टू आता है के वन, और ये आ जाता है ए इंटू बी टू। ये हमारी फर्स्ट स्टेप आ गई है। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने ये रेट लॉ कहाँ लगाया, आपने तो ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप में होती है, उसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री की तरह काम करता है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप रेट चाहे लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो या फिर आप रेट लॉ से लिखो, रेट सेम आता है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये इसका लॉजिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आप इसकी मेन रिएक्शन को देखो। इसकी मेन रिएक्शन के अंदर देखो बेटा क्या है, एक तो ए टू दे रखा है और आपको बी टू दे रखा है और एक ए बी दे रखा है, तो जो भी इसका रेट लो आएगा उस रेट लो के अंदर ए टू आ सकता है, बी टू आ सकता है, ए बी आ सकता है, इन तीनों के अलावा और कोई नहीं आएगा। तो आप ये पता लगाओ आपने जो रेट लो लिखा है इसमें कोई इंटरमीडिएट है क्या, तुमने देखा रेट इक्वल टू के, इसमें ए इंटू बी, तो बी टू तो आ रहा है पर ए तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो ए है ना ए हो गया हमारा इंटरमीडिएट। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको इस ए को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ए को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो फास्ट स्टेप है उसकी हम हेल्प लेंगे। आओ बच्चों इसकी फास्ट स्टेप देखें। आप कहेंगे सर फास्ट स्टेप तो ये भी है और फास्ट स्टेप ये भी है, तो हम लोग करते क्या है, जो फास्ट स्टेप होता है उस फास्ट स्टेप को देख के हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। और आपको याद होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हमेशा लिखा जाता है रिवर्सिबल से, इरिवर्सिबल से तो नहीं लिखते ना। इसका मतलब ये हुआ ये जो थर्ड वाली स्टेप है, ये जो स्टेप है ये तो मतलब हमारे कोई काम ही नहीं आने वाली है, तो क्या करें हम काम में लेंगे ये स्टेप, ये वाली स्टेप काम में लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम फास्ट स्टेप, फ्रॉम फास्ट स्टेप इसको देख के हमने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे लिखा। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे होता है, अ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या बन गई बेटा, प्रोडक्ट आ जाता है ए इंटू ए, ये तो प्रोडक्ट आ गया, अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ये हमने लिख दिया ए टू। हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये लिखा हमने ए स्क्वायर अपॉन ए टू, ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर अपॉन ए टू। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए स्क्वायर इक्वल टू आता है हमारे पास के सी इंटू ए टू, ये हम यहाँ तक पहुँच गए के सी इंटू ए टू। हमको ए का वैल्यू चाहिए तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूट ले लेते हैं, इसका रूट लिया, के सी कॉन्स्टेंट है इसका रूट लेंगे तो वो भी कॉन्स्टेंट होगा। सपोज उसको बोल देते हैं के सी डेस आ गया और रूट ले रहे हो ना, तो ए टू का पावर ये वन बाई टू बन जाएगा, ये हमने बोल दिया
ये सेकंड नंबर आ गया। अब सेकंड से जो ए है इसका वैल्यू हम फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड सा ए का वैल्यू फर्स्ट में रिप्लेस किया तो हमारे पास रेट आ जाता है, रेट इक्वल टू लिखा हमने के वन के सी डेस ए टू, इसका पावर आ गया वन बाय टू, और उसके साथ में लिख दिया हमने ये बी टू, यहाँ तक पहुंच गया बेटा। K1 भी कांस्टेंट है, KC डेस भी कांस्टेंट है, इसकी जगह हम एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं और उस नया कांस्टेंट को हमने बोल दिया K, तो ये बन जाता है रेट इक्वल टू K a2 पावर 1 बाय 2, a2 पावर 1 बाय 2 एंड b2 पावर 1, ये हमने इसका रेट लो बना दिया, इसका रेट लो आ गया। ठीक है, हाँ अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 बाय 2। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये तो होता है ना इसका जो रेट लॉस है, जो रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है उस पर जो कंसेंट्रेशन होती है ना उनकी पावर का एल्जेब्रिक सम उस रिएक्शन का ऑर्डर किया जाता है। तो हमसे क्या देंगे रेट इक्वल टू के ए टू पावर वन बाय टू एंड बी टू पावर वन। चलिए जी ऑप्शन चेक करते हैं, रेट इक्वल टू के ए टू पावर वन बाय टू बी टू पावर वन, इसका बी सी आंसर दे दिया जाता है, आंसर आ जाएगा सी। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर बन जाएगा इसके लिए 3 बाय 2, ये 3 बाय 2 ऑर्डर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हमने आपको मैकेनिज्म के क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है और ऐसे फॉलो करके अगर कोई कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2a + b + c हमने बना दिया, a to b + c बना दिया, रेट लो हैज बीन डिटरमाइंड टू बी रेट इक्वल टू के ए पावर वन बी पावर टू विद के इक्वल टू 2 into 10 to power minus 6 mole minus 2 liter plus 2 and second inverse. For this reaction, what will be the initial rate of reaction with concentration of A equal to 0.1 mole per liter, concentration of B equal to 0.2 mole per liter and concentration of C equal to 0.8 mole per liter. मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जब A का initial concentration 0.1 mole per liter है, B का initial concentration 0.2 mole per liter है और C का initial concentration 0.8 मोल पर लीटर है, तब आपको उसका रेट बताना है। मतलब एक तरह से इसने इनिशियल रेट पूछा 1.3 हो गया, पूछ रहा है आल्सो द रेट आफ्टर 0.04 मोल पर लीटर ऑफ ए हैज रिएक्टेड। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि जब ए का 0.04 मोल रिएक्ट कर जाए उस समय इसका रेट क्या होगा। तो दो क्वेश्चन है, इनको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसका इनिशियल रेट निकालता हूं। देखिए भाई फर्स्ट हम इसके लिए इनिशियल रेट की बात करें कि इसका इनिशियल रेट क्या होगा। आपको पता है रेट लो इसने दे रखा है, तो रेट इक्वल टू इसने दे रखा है, रेट इक्वल टू दे रखा ना, रेट इक्वल टू हमारे पास है रेट इक्वल टू के ए पावर वन, ए पावर वन एंड बी पावर टू, ये हमको दे रखा है। आपसे बोला गया इनिशियल रेट, रेट तो पूछा रेट, ये ले लीजिए इनिशियल रेट की बात करें इक्वल टू के। आप जानते हैं जो रेट कांस्टेंट होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे इनिशियल रेट निकालो या टाइम टी की बात का रेट निकालो, के तो के रहेगा, तो जो के है के की जगह रखा हमने 2 इंटू 10 टू पावर माइनस की तो किया गया इंटू ए, एका कंसेंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर हमको एका कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.1, ये 0.1 दे रखा है इंटू बी, और बी का कंसेंट्रेशन 0.2 पर 0.2 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सोल्व करके हम इसका इनिशियल रेट ला सकते हैं, ये लीजिए हमने इसको सोल्व किया तो जो इसका इनिशियल रेट है देख सकते हैं ये बनेगा 2 2 4 4 2 8, ये बन जाएगा बेटा 8 × 10⁻⁹ और यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका इनिशियल रेट आ जाएगा, इसका इनिशियल रेट आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट तो इसका क्या बहुत ही सिंपल है, सेकेंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पार्ट पे चले। सेकेंड पार्ट हमको दे रखा है रिएक्शन क्या दे रखा है 2a + b, 2a + b से हमने बना दिया अच्छा सी बी है, पर देखो इसमें देखना इसका जो रेट लो है ना, रेट लो के अंदर क्या लिखा के ए पावर वन बी पावर टू, इसका मतलब इसके रेट लो के अंदर सी तो आई नहीं रहा, इससे पता लगा इस रिएक्शन का जो रेट है वो सी की कंसेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता, तो सी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हम केवल ये लिख देते हैं 2a + b से हमने a टू b बना दिया, सी हमारे कोई काम नहीं आएगा। इसकी साइकोमेट्री है 2 रेस टू 1 रेस टू 1, यही बेटा आपसे क्या बोला इनिशियल में एका कंसेंट्रेशन कितना है, एका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो 0.1 है, बी का इनिशियल कंसेंट्रेशन आपका 0.2 दे रखा है टाइम टी पर। इसने क्या बोला रेट का बताना है जब ए का 0.04 मोल रिएक्ट कर जाए, 0.04 रिएक्ट कर गया तो आप क्या बोलेंगे, हमने लिया कितना था 0.1, रिएक्ट कितना करेगा 0.04, तो बेटा जी बचेगा तो 0.06 ना। ठीक है, अब देखो
एओरबी की स्टोइकोमेट्री क्या है, 2s2 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने टाइम में ए का टू पार्ट डिसोसिएट होगा उतने टाइम के अंदर हमारा जो बी है उसका तो वन पार्ट डिसोसिएट होगा। ए क्या बोलता है कि मेरा तो 0.04 डिसोसिएट हुआ, तो बी बोलेगा फिर तो हमारा तो 0.02 होगा ना, और लिया कितना था 0.2 में से 0.02 गया तो ये बच जाएगा 0.18। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए का कंसेंट्रेशन 0.06 हो गया तो उस टाइम पर हमारा जो बी है उस बी का कंसेंट्रेशन हो जाएगा 0.18। तो हम इसका रेट लिखे, अच्छा रेट लो तो वही रहेगा क्योंकि रेट लो थोड़ी ना चेंज हो सकता है, तो रेट इक्वल टू क्या के ए का पावर आ जाएगा 1 एंड बी का पावर ए 2 लिखोगे। के की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2 × 10⁻⁶। ए हमारे पास आ जाता है 0.06 और बी आ जाता है 0.18। ये इसका ए स्क्वायर बन जाता है। हम इसको अगर सोल्व करें, इसको सोल्व करने से आता है 3.88 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो आप देख सकते हैं ये दे रखा हमको सी आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे हम सी, ठीक है। अब इसमें बच्चे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, चलो ये तो क्वेश्चन सोल्व कर दिया, पता ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, तो जो देखो इनिशियल रेट में कोई गड़बड़ नहीं होगी, बच्चे से इनिशियल रेट निकाल लेंगे, गड़बड़ कब होगी जब वो बोलेंगे ना कि रेट आफ्टर 0.04 मोल ऑफ ए रिएक्टेड, तो बच्चा क्या करता है रेट लो भी लगा देता है, के की वैल्यू रख देगा, एक ही कंसेंट्रेशन क्या कर देता है, कोई बच्चा 0.04 रख देगा, कोई 0.06 रख देगा। अच्छा ए में तो एक तो गड़बड़ी होती है, अब आता थी बी की, तो वो क्या करता है बी को जो इनिशियल में 0.2 था ना वो 0.2 का 0.2 रख देता है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। और मेरा ऑप्शन ऐसे बना रखे आपके देखना मैच भी कर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया है कि भाई सीधी सी बात है, आप ए इनिशियल में ए कितना लिया 0.1 लिया, बी कितना लिया 0.2 लिया, तो जब ए आपका 0.1 से अगर 0.06 हो जाता है तो बी 0.2 का 0.2 थोड़ी रहेगा, वो भी तो चेंज होगा ना, तो चेंज कैसे होगा, तो वही हमने आपको इस स्टोइकोमेट्री से निकालना सिखा दिया। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है जी। चलो जी नया क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर 30% डिकम्पोजिशन, the original concentration of a sample was 5 mg/ml which become 4 mg/ml during 20 month assuming the decomposition of first order the expiry time of the drug in month and half life of the product। ye question hai aapse bola ja raha hai ek drug hai jiska initial mein concentration 5 hai aur 20 month ke baad 4 ho gaya to apne kaam karte hain। acha ye bhi bola jo drug ka decomposition first order ko follow kar raha hai to sabse pehle to हमने फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कॉन्स्टेंट है वो रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, के इक्वल टू होता है 2.303/T log of a upon a minus 6 ही होता है ना, ठीक है। वैल्यू पुट करें इसको लिखा जाएगा 2.303/T 20 मंथ log a, a को लिखा मैंने 5, a minus 6 को मैंने 4 लिख दिया, तो इसको सॉल्व करके के देखें तो के इक्वल टू आता है 2.303/20, इसको लिखा बेटा हमने log 5 माइनस log 4, यहाँ तक पहुँच गए अपन। और देखें इसको 2.303/20 log 5 ये होता है 0.60, log 4 ये होता है पॉइंट, मतलब log 5 होता है 0.70, log 4 होगा 0.60, 0.70 में से 0.60 को माइनस किया तो आ जाएगा 0.10। तो यहाँ सबने k की वैल्यू देखें तो k हमारे पास आ जाता है 2.303/0.10/20 और ये आ जाता है आपका मंथ इनवर्स में, ये आ गया मंथ इनवर्स, ये तो क्या आ गया, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ये ड्रग है ना इसका एक्सपायरी टाइम क्या होगा, ड्रग का एक्सपायरी टाइम क्या होगा, तो क्वेश्चन में बोला ना कि ड्रग 30% डिकम्पोज तो एक्सपायर हो जाती है, इसका मतलब 30% डिकम्पोजिशन का जो टाइम है वही इसका एक्सपायरी टाइम होगा। तो एक्सपायरी टाइम निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूले में एक ही जगह क्या रखें 100 रखें और जो ए माइनस सिक्स है यानी 30% डिकम्पोज हुआ a माइनस x तो 70 लिखा जाएगा ना, रिमेनिंग तो 70 होगा, तो यहां से k इक्वल टू k लिखे 2.303/t एक्सपायरी log 100/70 आ जाएगा। और जो k है k की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, k हमने निकाल लिया ना अभी, k था हमारे पास में 2.303 × 0.10/20, ये किया था हमारे पास में, ठीक है। इसको अगर सोल्व किया जाए
यहाँ से हम टी एक्सपायरी निकालें, देखते हैं इसका टी एक्सपायरी क्या होगा, तो टी एक्सपायरी इसको ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टी एक्सपायरी आ जाता है। इसके लिए लॉग 10 ये लिखा हमने 20 अपॉन 0.10 और ये बन जाता भैया लॉग 10 माइनस लॉग 7। और देखिए इसको 20 अपॉन 0.10 ये 20 अपॉन 0.01 20 अपॉन 0.10 टी एक्सपायरी निकाल रहे हैं। लॉग 10 होता है 1, लॉग 7 होता है 0.85, इन दोनों का डिफरेंस आता है 0.15। इसको सोल्व करें इसका जो एक्सपायरी टाइम है वो आ जाता है 30 मंथ। लीजिए एक्सपायरी टाइम 30 मंथ आ गया इसके लिए, ठीक है। एक आपसे पूछ रहा है इसका हाफ लाइफ क्या होगा, सेकंड आपसे बोला गया इसका हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ होता है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, और आपसे ये भी बोल रखा है मैंने जो 0.693 है इसको आप लिख दिया करो बेटा 2.303 इंटू 0.3010, पता था ना इसका मल्टीपल 0.693 होता है अपॉन के, और के क्या लिखेंगे तो क्वेश्चन में के निकाला ना हमने, के का वैल्यू ये तो था मेरे पास 2.303 इंटू 0.10 अपॉन 20। इसको सोल्व करके देखें, पॉइंट से पॉइंट गए जीरो, इसको देखा इसका जो हाफ लाइफ है ये हमारे पास आ जाता है 60 मंथ। आंसर हाफ लाइफ 60 मंथ और एक्सपायरी टाइम आएगा इसके लिए 30 मंथ। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 30 and 60 मंथ आंसर दिया जाएगा, ए ए इसका आंसर दे देंगे इसके लिए, ये आंसर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम दे रखा है 0.05 मिलीलीटर कंटेन 3×10⁻⁶ मोल एच प्लस आयन। If the rate constant of disappearance of H plus ion is 1×10⁷ mole per liter per second, how long would it take for H plus ion in drop to disappear? ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले देखें क्वेश्चन आया तो सबसे पहले देखो कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर देखना पड़ेगा आपको। तो देखो इसने जो रेट कॉन्स्टेंट है ना के, रेट कॉन्स्टेंट जो के के हमको दे रखा है 1×10⁷ और ये दे रखा बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस यूनिट को देख के पता लगा यार ये तो जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये तो जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। आप ये भी जानते हैं कि जो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का जो रेट कॉन्स्टेंट है उसके लिए फॉर्मूला होता है k=x/t, तो k तो क्वेश्चन में दे रखा है, k कितना है 1×10⁷ दे रखा है, x कितना डिसोसिएट होगा, तो उसने क्या बोला टोटल डिसअपीयर हो जाए, इसका मतलब जितनी कंसेंट्रेशन आपने ली सारी की सारी डिसअपीयर हो जाए। अच्छा कंसेंट्रेशन कैसे लिखते हो, कंसेंट्रेशन होता है क्या मोल अपॉन वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। इसने क्वेश्चन के अंदर मोल कितना दे रखा है, मोल दे रखा है 3×10⁻⁶ ये मोल दे रखा है ना, ये दे रखा है अपॉन वॉल्यूम, ये हमको दे रखा है 0.05 और ये तो वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है। आप इसे लिखो 3×10⁻⁶ अपॉन वॉल्यूम की जगह रख देते हैं, वॉल्यूम रखा हमने 0.05 मिलीलीटर और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी कंसेंट्रेशन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला कि जितना भी H प्लस आयन है सारा डिसअपीयर हो गया, तो सारा डिसअपीयर होने का मतलब आपका जो कंसेंट्रेशन था कितना था, कंसेंट्रेशन 3×10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 0.05 ये डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब ये x का वैल्यू आ गया और हमसे क्या पूछ रहा, हमसे t पूछा जा रहा है। तो इसको सोल्व करके अगर t देखें, इसको सोल्व करके अगर t निकालें तो t आ जाता है 3×10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन ये जो 0.05 है इस डेसिमल को हटा देते हैं और यहाँ 100 आ गया और 10⁷ है ना तो ये ऊपर जाएगा 10⁷-7 बन जाएगा। देखो 10⁷ 10⁷ 3 और 10⁷ 2 ये बनेगा 10⁵ और 10⁷-7 तो 10⁷ -2 बचेगा ना, ये 10⁷ इन सबको मिला के क्या बच गया 10⁻², और 10⁻⁶ और 10⁻², तो 10⁻⁸ ये लिखा जाता है 3/5 इंटू 10⁻⁸, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 30/5 इंटू 10⁻⁹, इसको लिख सकते हैं 6×10⁻⁹ सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा,
आंसर देंगे 6 × 10⁻¹⁹ आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 6 × 10⁻¹⁹ ये आपका ए आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको। आप देखना मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, इतने शानदार क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए कि इन्हीं क्वेश्चन से मैं आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, देखो क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन इन विच ए एंड बी फॉर्म सी, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमको दे रखा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर ए का कंसेंट्रेशन है 0.03, बी का कंसेंट्रेशन है 0.03 और रेट हमारा है 0.3 × 10⁻¹⁴। एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है उसमें ए का कंसेंट्रेशन है 0.06, बी का कंसेंट्रेशन है 0.06, रेट हमको दे रखा है 1.2 × 10⁻¹⁴। थर्ड एक्सपेरिमेंट दे रखा है ए का कंसेंट्रेशन 0.06, बी का कंसेंट्रेशन 0.09 और रेट हमको दे रखा है 2.7 × 10⁻¹⁴ ही हमको दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है इसके लिए व्हाट इज द, एक तो रेट लो पूछा जा रहा है और एक आपसे रेट कॉन्स्टेंट पूछा जा रहा है, रेट लो एंड रेट कॉन्स्टेंट बताना है। सबसे पहले आप ये देखें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो क्या करें, सबसे पहले एक काम करते हैं, जब आप ए के रेस्पर पे ऑर्डर निकाल रहे तो बी की कंसेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट करें। बेसिकली इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम करते क्या है, हम एक एक्सपेरिमेंट के डाटा को दूसरे एक्सपेरिमेंट के डाटा से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो मेरे को ए का ऑर्डर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए का ऑर्डर निकालना है तो बी की कंसेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखूंगा, अगर बी का ऑर्डर निकालना है तो मैं ए की कंसेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखूंगा। मैंने सोचा सबसे पहले मैं ए का ऑर्डर निकालूंगा तो मैं बी का कंसेंट्रेशन एक्स एक्सपेरिमेंट लूंगा जिसमें बी की कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो। तो मैंने देखा यार बी की कंसेंट्रेशन तो किसी भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो क्या ऐसा भी जरूरी नहीं है पहले ए का ऑर्डर निकालो, आप पहले बी का ऑर्डर निकाल लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो बी का ऑर्डर निकालोगे ए को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, तो दिखाई दे रहा है हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को डाटा कंपेयर कर रहे हैं। 2 से 3 को कंपेयर किया तो जब 2 से 3 ले रहे हो तो आप सभी जगह 2 से 3 लोगे, ये 2 से 3 लोगे। तो देखो जब हम सेकेंड और थर्ड के डाटा कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पता लगा, ए का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट। अब बी का कंसेंट्रेशन 0.06 से कितना हो गया, 0.09 हो गया। आपको देखना कितना टाइम्स हुआ, टाइम्स देखने का तरीका है डिवाइड कर लो, पहले कितना था 0.06, अब कितना हुआ 0.09। तो क्या करूं मैं 0.09 को 0.06 से डिवाइड कर दूंगा तो पता लगा 3/2 टाइम्स हो गया। 3/2 टाइम्स, टाइम्स देखने के लिए डिवाइड कर लिया करो। रेट कितना हुआ, पहले कितना था 1.2 × 10⁻¹⁴, अब हो गया 2.7 × 10⁻¹⁴। तो डिवाइड करें तो यह जाता है 2.7 × 10⁻¹⁴, इसको डिवाइड करें 1.2 × 10⁻¹⁴ से, तो बेटा जी ये 9/4 आ गया। तो क्या ऐसे बोल दें कि बी का कंसेंट्रेशन हुआ 3/2 टाइम्स, तो रेट हो गया 9/4। 3/2 टाइम्स करने पर 9/4 मतलब स्क्वायर, तो हम इसे बोल सकते ना इसका अगर रेट लिखा जाए, इसका रेट, रेट इक्वल टू के, ए का पावर तो हमको अभी पता नहीं है, पर जो बी है बी का पावर तो बेटा जी 2 आ गया, क्योंकि कैसे पता लगा बी की कंसेंट्रेशन को 3/2 टाइम्स करने पर बी की वजह से रेट हो रहा है 9/4। 3/2 टाइम्स करने पर 9/4 का मतलब स्क्वायर होता है, तो बी का पावर 2 आ गया। ये लो जी हमने बी का पावर निकाल लिया, अब ए का निकालना है तो क्या करें, हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर ले, 1 और 2 को कंपेयर कर लो। ये लीजिए 1 से 2 को कंपेयर किया, देखिए जब 1 से 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए का कंसेंट्रेशन 0.03 से 0.06, यानी ए का कंसेंट्रेशन डबल हो गया, बी का कंसेंट्रेशन भी डबल हो गया, रेट 0.3 से 1.2 का मतलब बी का रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया, दिख रहा है ना, 0.3 × 10⁻¹⁴ से हो गया 1.2 × 10⁻¹⁴, तो ये हो गया 4 टाइम्स। तो हम इससे बोल सकते हैं ए का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, बी का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, रेट हो गया 4 टाइम्स। अब बी क्या कहता है, सुनो, बी कहता है मेरे ऊपर तो पावर 2 है, अगर आप मेरी कंसेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट को मैं 4 टाइम्स कर दूंगा। पर हमने क्या किया, हमने ए का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, बी का कंसेंट्रेशन भी डबल किया और दोनों ने मिला के रेट को 4 टाइम्स किया। तो बी क्या कहता है, यार मेरे ऊपर तो पावर 2 है, अगर आपने मेरी कंसेंट्रेशन डबल करी तो रेट को 4 टाइम्स मैं अकेला कर दूंगा। इसका ए क्या कह रहा है, ए बोलता है कि आप मेरी कंसेंट्रेशन को डबल करो तो मेरी वजह से रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका ए का पावर 0, ए का पावर 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका रेट लो क्या बनेगा, रेट इक्वल टू के, ए का पावर 0 और बी का पावर 2, ये रेट लो आ गया। ऑप्शन देखिए 4, तो ये वाला पार्ट तो बी में भी है सी में भी है,
पर इसने एक, एक क्या बोला, हमसे बोला रेट कॉन्स्टेंट निकालो, तो क्या करो ये जो रेट लो आया, इस रेट लो को आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट नंबर एक में लगा दो या नंबर दो में लगा दो या नंबर तीन में लगा दो, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। हम सबसे पहले इसको आप चाहे एक्सपेरिमेंट नंबर वन में लगाएं या एक्सपेरिमेंट नंबर टू में, एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री में, आंसर तीनों से सेम आता है। तो मैं सबसे पहले लगा देता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर वन के अंदर। तो वन में रेट कितना दे रखा है, रेट हमको दे रखा है 0.3 इंटू 10^-4 इक्वल टू के, के लाना है, ए का पावर जीरो कोई मतलब ही नहीं है, बी दे रखा है 0.06, 0.06 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 0.06 का हमको स्क्वायर करना है, और ऐसे करके और हम इसका के ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो के है, आप सोल्व कर लो, इसका के आ रहा है 3.33 इंटू 10^-2 इसका किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या देंगे, रेट लो तो है, रेट इक्वल टू के, ए पावर जीरो, बी पावर टू, और के है 3.3 इंटू 10^-2, आंसर दिया जाएगा बी। ये लीजिए इसका, ये बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला है, एक एग्जाम में हमारे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इनको सोल्व करने का मेथड ही रहता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर एंड 0.5 मोल पर लीटर आर 200 एंड 40 सेकंड रेस्पेक्टिवली ऑर्डर विल बी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी क्वेश्चन क्या है, हमको दो इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ देके ऑर्डर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले इससे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको बता देता हूँ। ये जो हाफ लाइफ होता है ना, हाफ लाइफ जो होता है ना, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की एन, इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर एन माइनस वन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, चलो जी इसको अपन ऐसे देखें, जैसे मान लो सपोज जीरो ऑर्डर है तो फॉर्मूले में एन इक्वल टू जीरो रखो बेटा। आप फॉर्मूले में एन इक्वल टू जीरो रखो, आप जैसे एन इक्वल टू जीरो रखेंगे ए की पावर माइनस वन, इसका मतलब इसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमको पता लग गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करोगे तो फॉर्मूले में एन इक्वल टू वन रखोगे, वन माइनस वन जीरो, इससे हमको पता लग गया इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। हम बोल देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। चलो जी सेकंड ऑर्डर पे चले, एन इक्वल टू टू रखें, फॉर्मूले में आप एन इक्वल टू टू रखे देखें तो टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीन से हमारा काम हो जाता है। तो ये रिजल्ट याद कर लो बच्चों, सबसे पहले तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि जीरो ऑर्डर के अंदर जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है और सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो जिस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारी पॉइंट मोल पर लीटर है तो इसका जो हाफ लाइफ है, इसका हाफ लाइफ दे रखा है हमको 200 सेकेंड। जब हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन को 0.5 मोल पर लीटर कर दिया ना, तो इसका जो हाफ लाइफ है, वो हो गया हमारे पास 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड हो गया, इसको कंपेयर करें तो पता लग रहा है ना। देखो आपने इनिशियल कंसेंट्रेशन को 0.1 से कितना कर दिया, 0.1 से 0.5 किया, 0.1 से 0.5 करने का मतलब एक तरह से हमने कंसेंट्रेशन को कर दिया 5 times, और हाफ लाइफ 200 से कितना हो गया, 40 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 1/5 times। तो इसको देखिए पता लग रहा है कंसेंट्रेशन को 5 times किया तो हाफ लाइफ हमारा 1/5 हो गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसका जो हाफ लाइफ है, इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अभी भी आपको बताया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड ऑर्डर में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा एन इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमारे सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर आंसर दिया जाएगा सी। ये लीजिए सेकंड ऑर्डर आंसर आ जाएगा इसके लिए एन इक्वल टू। तो मैंने इस टाइप का आपको मेथड बता दिया जिसके अंदर आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन पर हाफ लाइफ गिवन हो उससे ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा गैसेस रिएक्शन A2 से हमने बना दिया B+1/2C शोज इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mmHg to 120 mmHg in 5 minutes, what is the rate of disappearance of A2, A2 के disappearance का rate निकालना है। देख लीजिए आपको जो question है
ए टू के डिसअपीयरेंस का रेट निकालना है ना, ए टू के डिसअपीयरेंस का रेट, तो आप सबसे पहले से देखो इसका मतलब हमको ए टू के डिसअपीयरेंस का रेट, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है माइनस डी ए टू, अब प्रेशर दे रखा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डी पी ए टू अपॉन डी टी, इसका ये हमसे पूछा जा रहा है। डिसअपीयरेंस का माइनस लगाना है, यहां पर प्रेशर दे रखा है तो डीपी लिख दिया, इसका मतलब ए टू के डिसअपीयरेंस का रेट निकालना है, ये लिख दिया। ये समझ में आ गई बात? देखो रिएक्शन हमको क्या दे रखा है, रिएक्शन हमको दे रखा है ए टू, ए टू सबने क्या बना दिया, ए टू सबने बना दिया बी प्लस वन बाई टू सी, ये बना दिया। आपसे क्या बोला इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है 100 mmHg, इसका मतलब जो टी इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पर ये दे रखा 100, तो आप इनको जीरो जीरो लिखेंगे, और कितने टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद। देखो इसकी स्टाइकोमेट्री क्या है, देख बेटा इसकी स्टाइकोमेट्री है 1:1:1/2, तो होगा क्या, आप ऐसे लिखेंगे ना, इसका पहले 100 था तो 100 तो एक्स डिसोसिएट हुआ सी, तो आपका जो बी है बी कितना बनेगा, एक्स बनेगा, तो सी तो बेटा फिर एक्स बाय टू बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपसे क्या बोला कि जो 5 मिनट है ना, 5 मिनट के बाद प्रेशर कितना होगा 120, तो पता है ये 120 क्या दे रखा है, 120 हमको दे रखा है 5 मिनट के बाद में टोटल प्रेशर, ये लीजिए 100 - x + x + x/2, इसका वैल्यू हमको दे रखा है 120। इसको सोल्व करके और हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x जो हमारे पास आ रहा है, x हमारे पास आता है 40 mmHg, ये 40 mmHg आ गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता लगा टोटल दे रखा है, तो बेटा सुन ध्यान से, इनिशियल में प्रेशर कितना दिया 100 दिया, और 5 मिनट के बाद अगर रिएक्टेंट के प्रेशर की बात करें तो रिएक्टेंट तो टाइम के साथ डिसोसिएट होगा ना, तो क्या टाइम के साथ में रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ सकता है क्या, कभी नहीं बढ़ेगा, वो तो हमेशा कम होगा, तो इसमें 120 बोला, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि वो हमको टोटल दे रखा है, इसलिए हमने क्वेश्चन को ऐसे बना दिया, एक्स का वैल्यू आ गया। चले जी, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए टू के डिसअपीयर होने का रेट, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, डीपी ए टू का मतलब ए टू के प्रेशर का चेंज, चेंज हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप देख सकते हैं ए टू का फाइनल प्रेशर कितना है, ए टू का फाइनल है 100 - x, ए टू का इनिशियल कितना है 100, तो इसमें से 100 माइनस कर दिया अपॉन टी, और टी की जगह हम रख देंगे ये 5 मिनट, इसको देखा जाए तो यह आ जाता है x/5 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है 40, तो 40/5, इसका आंसर आ जाएगा 8 mmHg मिनट इनवर्स, ये लीजिए ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, अरे बेटा समझे क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर दिया जाएगा, ये आंसर देंगे इसके लिए 8 mmHg पर मिनट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चा गड़बड़ क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ, वो गड़बड़ क्या करता है, वो गड़बड़ करता है कि सर देखो प्रेशर पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा, डिफरेंस 20 को 5 से डिवाइड करके और आंसर 4/50 करके आ जाएगा, सोचता है यार मेरा तो क्वेश्चन सी हो गया, कितना आसान पेपर आया था। तो बेटा ए टू के डिसअपीयर होने का रेट पूछ रहा है ना, तो ए टू का फाइनल लेना है और ए टू का इनिशियल लेना है, तो जो इनिशियल है वो तो ए टू का है, पर जो फाइनल है वो 120 ए टू का नहीं है, तो हमको पहले ए टू का निकालना पड़ेगा, और वो कैसे, वो मैंने कैलकुलेशन करना सिखा दिया है, समझ आगे बात। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या बात करें यार, ये तो प्रेशर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन तो मान के चलो एग्जाम में पूछा ही रहता है, समझ लेना ध्यान से। क्वेश्चन दे रखा है एजियो आइसोप्रोपेन डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है हमको, एजियो आइसोप्रोपेन है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, इससे हमको मिल गया N2+C6H14 गैस मिल गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सर एट टाइम टी इज पी टी, देन रेट कॉन्स्टेंट के विल बी, इसका के निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आपको रिएक्शन दे रखिए, अभी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना, अपने इतना बड़ा ना लिखे, और मैं तो ऐसे लिख देता हूँ कि मेरे पास, इसको सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है, और ऐसे हमने ये लीजिए बी प्लस सी बना दिया, बहुत सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे बी प्लस ही बना दिया, क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1:1 है ना, तो 1:1 लिख दिया अपन ने। ठीक है जी, अरे ठीक है बेटा जी, हाँ जी, अब इसने क्या बोला इनिशियल प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या दे रखा है, पी नोट,
ये पी नोट हो गया, ये जीरो होगा, जीरो होगा। टाइम टी पर क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे पी नोट माइनस एक्स, ये एक्स होगा और एक्स होगा, क्योंकि सब किस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन वन है। इसने क्या बोला, टोटल प्रेशर कितना दिया पी टी, इसका ये दे रखा हमको पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका वैल्यू होता है पी टी। तो यहाँ से बेटा एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू आता है पी टी माइनस पी नोट, हमारे पास एक्स आ गया, ये आ गया एक्स का वैल्यू। रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सुनो इधर, रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, समझ लेना बच्चे ध्यान से, यही गड़बड़ होती है। कुछ बच्चे फॉर्मूले क्या याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। आपको क्या फॉर्मूला याद करना है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अब यहाँ लिखेंगे ऊपर इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ऊपर क्या लिखोगे इनिशियल प्रेशर, वो तुमको पी नोट दे रखा है, अपॉन नीचे क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखना है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, नीचे लिखोगे प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो यहां पर देखा जाए तो टाइम टी पर रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, तो यार ये तो पी नोट माइनस एक्स है, तो ये लिख देंगे पी नोट माइनस एक्स, ये पी नोट माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता ना, ये जो क्वेश्चन है जिसमें ए है, ए का कोएफिशिएंट अगर 2 होता, सुनना बच्चा, ए का कोएफिशिएंट अगर 2 होता तो टाइम टी पर रिएक्टेंट का प्रेशर पी नोट माइनस एक्स नहीं होता, पी नोट माइनस 2x होता। तो फॉर्मूला आप ऐसे याद मत करना, पी नोट माइनस एक्स आप ऐसे याद करना, लोग ऊपर क्या लिखना है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, और नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी पर। और बच्चे लोग क्या करते हैं, पी नोट माइनस एक्स याद कर लेते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पता लगा कोएफिशिएंट 2 बना के दे दिया, बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे याद करेंगे, लोग ऊपर क्या लेना है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे लेना है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और वो आया हमारे पास पी नोट माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू उठा के यहां रखें, तो ये बन जाता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ये हमने लिखा पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स, और एक्स की जगह लिखा मैंने बेटा पी टी माइनस पी नोट, ये लिख दिया तक आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है, इसको सोल्व करें तो आपके पास आ जाता है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नोट अपॉन 2 पी नोट माइनस पी टी, ये आ जाएगा आपके रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मेरा आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा है P नोट अपॉन 2 P नोट माइनस PT, ये A आंसर आ जाएगा, इसका A आंसर आ जाएगा, ये A आंसर आ जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है तो वो समझा देता हूँ। जैसे अब इसने तो क्या है ABC तीनों को गैस दे रखा है, कई बार क्या करता है ये किसी एक प्रोडक्ट को लिख देता है ब्रैकेट में सॉलिड। जैसे मान लो सुनना ध्यान से, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया A है, अब समझना ऐसे क्या बना दिया इसने, ऐसे बना दिया इसने 2b गैस प्लस c गैस प्लस इसने बना दिया d गैस, ये बना दिया d सॉलिड बना दिया। ये लो बोला इनिशियल में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनिशियल में p नोट, तो ये p नोट लिख देंगे, ये p नोट आ गया, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, जीरो जीरो, और इनिशियल में तो ये भी जीरो होगा। टाइम t पर क्या लिखेंगे p नोट माइनस x, इसको क्या लिखोगे 2x, और x अब इसको आप जीरो रखना क्योंकि सॉलिड है और सॉलिड के प्रेशर जीरो लिए जाते हैं। तो मेरे को आपको ये समझाना था, समझ में आ गई बात। एक तो ये तरीका है, दूसरा और बताता हूँ, देख इधर सेकंड मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, 2 लिखा होता, तो आपने ये तो लाइन लिखी, टाइम टी पर क्या लिखेंगे फिर पी नोट माइनस 2x, और यहाँ लिखेंगे 2x, और यहाँ लिखा जाए ये जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, तो प्रेशर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने आपको बताया इन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये बातें आपने ध्यान रख ली, क्योंकि वो करता क्या है एमसीएम में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, और वहां क्या किया किसी एक प्रोडक्ट ने सॉलिड लिख दिया और बच्चे ने क्या किया सॉलिड का प्रेशर भी एक्स लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो वो क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया मैंने आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े पहले, तो 12 दे रखा है द फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 हमारे पास है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ C2H5I बाय द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है 8600 केल्विन इज 1.60 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेकंड इनवर्स, इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 290 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट इज 700 केल्विन। क्वेश्चन को मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये हमसे बोल रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास 600 टेम्परेचर है
ये कह रहा है 600 केल्विन टेम्परेचर है ना, तो हमारा जो रेट कॉन्स्टेंट है वो K1 है और उसकी वैल्यू है 1.60 × 10⁻²⁰ इनवर्स, इसने बोल दिया। और हमसे क्या कह रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर 700 केल्विन है तो रेट कॉन्स्टेंट K2 है और आपको K2 पता लगाना है, और साथ में ये भी बोल दिया कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो ये है ना बेटा वो हमको दे रखी है 209 किलो जूल। अब देखो, अब आपने ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखने से क्या होता है आपने दिमाग में फॉर्मूला आ जाता है। तो देखो इसको देखिए, नहीं लिख रहा यार, T1 पे K1 दे दिया, T2 पे K2 की बात का ये दे रखा है, तो आपको अपने आप वन टॉफ फॉर्मूले की याद आ रही होगी। और वन टॉफ फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू है ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यार ये तो होता है ना, वैल्यू पुट करते हैं। चलो देखें इसकी वैल्यू पुट करें, इसको से लिख दें लॉग K2, ये तो लॉग K2 लाना ही है, माइनस लॉग K1 और K1 को लिख दिया मैंने 1.6 × 10⁻⁵, ये लिख दिए। ये ए की जगह हमने रख दिया 209, ये किलो जूल है अपॉन 2.303 आर। देखो आपने 209 किस में रखा, किलो जूल में, तो आर की वैल्यू भी किलो जूल में रखनी पड़ेगी, तो आर हमने रख दिया 8.314, ये तो बेटा जूल होता है, 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो जूल आ रहा नहीं आ रहा। T2 माइनस T1 600 और 700 डिफरेंस कितना आएगा, 100 अपॉन T1, इसकी जगह लिखा 600 और T2 की जगह लिखा 700, यहाँ तक हम पहुँच गए। चलो इसको थोड़ा तो सोल्व करते हैं, समझ आ रही बात आपको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं log K2 माइनस log, इसको लिखा 1.6, ठीक है, अब प्लस log 10⁻⁵ इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो दे रखा है ना, आप देख सकते हैं इसके जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, इसके डबल जीरो कैंसिल हो गया। और एक काम किया करें, देखो आप इसको ऐसे बनाया करें कि जो 2.303 है ना, 2.303 को आपने मल्टीप्लाई किया 8.314 से, इसका जो मल्टीपल है वो आता है अप्रोक्स 20। सुना बेटा, इसका जो मल्टीपल है अप्रोक्स कितना आएगा 20, और 7 × 6 = 42 और ऊपर 209 × 10, इन सभी को सोल्व करें तो हमको दे देता है 2.60, आप सोल्व करके देख लेना। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना 2.303 × 8.314 इसका मल्टीपल ये 20 के अराउंड आता है, तो आप चाहते इसको याद भी रख लेना कि जब भी कैलकुलेशन के अंदर 2.303 × 8.314 से मल्टीप्लाई होता है इसका मल्टीपल हमको 2.60 दे देता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसको हमने लिखा लॉग K2 माइनस लॉग 1.6, ये जो लिखा हुआ है ना लॉग 10⁻⁵ ये बन जाएगा माइनस 5 लॉग 10 और माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 5 इक्वल टू 2.60। हम यहां तक पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेप पे चले, नेक्स्ट स्टेप हम लिख देते हैं लॉग K2। अभी काम करें बेटा, इसको ऐसे लिख देते हैं 2.60 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस लॉग 1.6, ये लीजिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग 1.6 का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, देखते हैं लोग 1.6 कितना आता है। लोग 1.6 को लिख सकते हैं क्या, लोग 16/10, या इसको हमने लिखा लोग 16 माइनस लोग 10, 16 को लिखा हमने 4 का स्क्वायर यानी 2 log 4 माइनस ऑफ लोग 10, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जो लोग 4 होता है ना, लोग 4 कितना होता है 0.60, इसका डबल किया तो बनेगा 1.20, तो ये आ जाता है 1.20 माइनस 1, इसका मतलब ये 0.20 आ गया, ये 0.20 आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखें तो ये हमारे पास आ जाता है log K2 इक्वल टू 2.60 माइनस 5 प्लस log 1.6, ये बन गया 0.20। और इस पूरे को सोल्व किया जाए K2 इसको सोल्व करें तो ये हमको दे देता है माइनस 2.20, ये लिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको K2 लाना है तो K2 इक्वल टू लिख देंगे हम, K2 इक्वल टू आता है एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.20 ही आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, आपको आपको जो डेसिमल वैल्यू है आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ गया के टू इक्वल टू आ रहा है, के टू इक्वल टू है एंटी लॉग, ये वाली स्टेप समझ लेना बेटा, के टू इक्वल टू आ रहा है आपके पास में एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.20। क्या करना है हमको, माइनस 2.20 का एंटी लॉग लेना है, यानी ऐसे बोल सकते हैं हमको एक तरह से एंटी लॉग लेना है नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटी लॉग लिखा जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग 1 माइनस 1 में से माइनस करते हैं डेसिमल के बाद की वैल्यू विद डेसिमल, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू 0.20 है, ये लीजिए एक फॉर्मूला होता है ये नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटी लॉग निकालना, कैसे लिखते हैं एंटी लॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 0.20, तो 1 में से 0.20 माइनस कर दिया इंटू 10 टू पावर माइनस 1 प्लस 1 में ऐड करना है वैल्यू बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले वैल्यू 2, ये 2 लिख दिया जाता है, इसको देखें ये बन जाता है एंटी लॉग 1 माइनस 0.20, तो ये बनेगा बेटा 0.80 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब हमको एंटी लॉग देखना है 0.80 का एंटी लॉग क्या होगा, वैसे आप जानते बेटा आप ये वाली पॉइंट जानते हैं लॉग जो 6 होता है ना, लॉग 6, आप ये बताओ लॉग 6 और लॉग 7 कितना होता है, लॉग 6 की बात करें तो लॉग 6 क्या होगा, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 यानी लॉग 2 प्लस लॉग 3, ये आ जाता है 0.78, और लॉग जो 7 है ना लॉग 7 ये आ जाता है 0.85 का गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सुनो हम ऐसे बोलते हैं 0.78 जो है ना 0.78 का एंटी लॉग होगा 6, 0.85 का एंटी लॉग होगा 7, हमको एंटी लॉग लेना है 0.80 का, आप देख सकते हैं 0.80, 0.78 और 0.85 के सेंटर से भी थोड़ा कम है, इसका मतलब इनका एंटी लॉग 6 और 7 का जो सेंटर पॉइंट है उसे भी कम आएगा, 6 और 7 का सेंटर पॉइंट आएगा 6.5 यानी 6.5 से भी थोड़ा कम होगा, तो अप्रोक्स मान लेते हैं ये 6.2 या 3 मान लिया, तो आंसर आ गया 6.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसका मतलब यहाँ तक आने के बाद में आपको अप्रोक्स एंटी लॉग लेना आना चाहिए, ठीक है, तो आंसर आ गया इसके लिए 6.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, देखिए आंसर 6.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये लीजिए ये हमने इसका बी आंसर टिक कर दिया, ये बी आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने ले लिया है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 300 केल्विन इज 60 किलोजूल पर मोल, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी गेट लोअर टू 50 किलोजूल पर मोल एट 300 केल्विन, हाउ मेनी टाइम्स द रिएक्शन रेट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट द सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन ये दे रखा है, बेसिकली एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इस क्वेश्चन ने बोला ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है, एक तो कर रहा है कैटलिस्ट की एब्सेंस में और एक उसको कंपेयर करा हुआ है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एब्सेंस और प्रेजेंस की बात कर रहा है, इसने बोला जब कैटलिस्ट एब्सेंट है ना तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई है वो हमको दे रखा है 60 किलो जूल, और जब प्रेजेंस है तो बोले एक्टिवेशन जी ई एड इज इक्वल टू ये दे रखा है 50 किलो जूल ये दे रखा है, अच्छा टेम्परेचर सेम दे रखा है, इसका मतलब पहले भी टेम्परेचर हमारे पास में 300 केल्विन है और अब भी टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन टेम्परेचर सेम दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है सपोज इसका रेट कॉन्स्टेंट K1 है और इसका रेट कॉन्स्टेंट K2 है, तो हमसे बोला जा रहा है कि रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमसे R2 अपॉन R1 पूछ रहा है, और आपको याद है आप R2 अपॉन R1 निकाले या K2 अपॉन K1 निकाले बात एक ही है, यानी एक तरह से क्वेश्चन के अंदर हमसे K2 अपॉन K1 पूछा जा रहा है, तो K2 अपॉन K1 जितने टाइम्स होगा रेट भी हमारा उतने टाइम्स होगा, तो हम इस क्वेश्चन को RN इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, तो देखो सभी बंदे जानते हैं कि जो RNS इक्वेशन होता है, RNS इक्वेशन होता है K इक्वल टू A e पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है, हमको K2 अपॉन K1 लाना है ना, K2 अपॉन K1 लाना है तो K2 अपॉन K1 क्या लिखेंगे A e पावर माइनस EA डेस अपॉन RT अपॉन A e पावर माइनस EA अपॉन RT, आप ऐसे लिखेंगे, हम चाहते ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो कैंसिल होगा e पावर माइनस माइनस 1 अपॉन RT हमने कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ना ई ए डेस माइनस ई ए, ये लिख यहाँ तक आ गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई पावर माइनस 1 अपॉन R, देखो
एक्टिवेशन एनर्जी हमको किलो जूल में दे रखा है, तो आर की वैल्यू रख देता हूं मैं 8.314 अपॉन 1000, ये तो आर आ गया, इनटू टी टेंपरेचर रखा है 300, यहां तक भी पहुंच गए, इनटू ईएडएस दे रखा हमको 50, ईए दे रखा हमको 60, ये लीजिए 50 में से 60 माइनस किया तो -10, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो यहां तक हम देखें तो हमारे पास आ जाता है K2 अपॉन K1 इक्वल टू e पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इस डबल जीरो से मैंने डबल जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो ऊपर क्या हमारे पास में 100, तो आ जाता है 100 अपॉन 8.314 इंटू 3, 8.314 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका मल्टीप्लाई आता है 25, एक तरह से बन गया e पावर 4, हम यहाँ तक आ गए e पावर 4, तो K2 अपॉन K1 का वैल्यू आ गया e पावर 4, अब इसका इसको आगे सोल्व कैसे करें, तो लॉग लेना पड़ेगा, इसका लॉग ले लिया हमने, ई पावर है ना तो लॉग भी हम ई बेस में लेते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग ई बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू 4 लॉग ई बेस ई, ई बेस ई 1 होता है तो ये 4 आ जाएगा। अब ये जो लॉग ई बेस K2 अपॉन K1 है इसको 10 बेस में चेंज करो तो यहाँ पर 2.30 आता है, तो जो 2.303 आया उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, दिया जाता है 4 अपॉन 2.303, 4 को 2.303 से डिवाइड किया दिया जाता है हमारे पास में 1.74, हमको लाना है K2 अपॉन K1, देखो हमको K2 अपॉन K1 लाना है, तो K2 अपॉन K1 की बात करें तो K2 अपॉन K1 को लिखेंगे बेटा हम एंटी लॉग ऑफ 1.74, ये लीजिए 1.74 का एंटी लॉग, 1.74 का एंटी लॉग हम लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ 1 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.74, एंटी लॉग ऑफ 1 की बात करें 1 का एंटी लॉग होता है 10, ये तो 10 बनेगा इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.75, अब 0.74, अब 0.74 का एंटी लॉग क्या होगा, देखो आप जानते हैं जो लॉग 5 होता है लॉग 5 हम लिखते हैं 0.70, ठीक है, और लॉग 6 की बात करें लॉग 6 आता है 0.78, आपको नहीं लगा 0.70 और 0.78 इसके बीच में आ जाएगा 0.74, तो 5 और 6 के बीच में आ जाएगा 5.5, तो हमें बोल सकते हैं 0.7574 का एंटी लॉग होता है 5.5, या 5.5 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर दे देंगे 55, इसका मतलब K2 अपॉन K1 आ गया 55, या से बोल सकते हैं R2 अपॉन R1 आ गया 55, इसका मतलब हमारा जो रेट है वो 55 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस कैलकुलेशन को स्मार्टली आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो आंसर देंगे 55 टाइम्स, देख सकते हैं आप आंसर हमने ए दे दिया, ए आंसर 55 टाइम्स, ठीक है जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर एंड एस के ऊपर है, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे रखा है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन X2Y एक्टिवेशन एनर्जी इज 100 किलो जूल पर मोल ऑफ एक्स, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -140 किलो जूल पर मोल, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाओ हमेशा ग्राफ से बनाया करो, बिना ग्राफ के एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ग्राफ बनाता हूं, देखिए ये ग्राफ बनाया हमने, और इसमें जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ बनाया जाता है बेसिकली ये लीजिए ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ हमने बना दिया, जो इसका एक्स स्केल है ना, एक्स स्केल पर हम क्या करते हैं इसकी प्रोग्रेस लेते हैं, और जो वाई स्केल है इस पर हम इसका एनर्जी स्केल ले लेते हैं, एनर्जी स्केल ले लिया, ठीक है, इसने बोला हमसे एक्सोथर्मिक, अब एक्सो का ग्राफ बनाना है, आपको पता है इस टाइप के जो ग्राफ है दो टाइप के बनते हैं, एक तो बनता है इधर समझ लेना, ये दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक तो आपने इस टाइप का ग्राफ देखा होगा बनते हुए, ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, एक तो ऐसा बनता है और एक ग्राफ ऐसा बनता है, अब मैं आपको ये सिखा देता हूँ कौन सा एंडो का है कौन सा एक्सो का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो जो आप जानते हो ये तो रिएक्टेंट है, इसका ये जो एंथैल्पी है ना, इस एंथैल्पी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, H4 एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इधर भी ये आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी आ गई, और सभी बच्चे जानते हैं कि जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच हमेशा HP माइनस HR होता है, चाहे एंडो हो या एक्सो हो, ठीक है, चलो मैं पहले एंडो की बात करूँ, देखो बेटा मैंने एंडो की बात करी, एंडो का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, आप ये देख के बताओ
कि डेल्टा एच होता है एच पी माइनस एच आर, तो डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, जब एच पी एच आर में से कौन बढ़ाओ, तो बोलेंगे एच पी बढ़ाओ सर, एच पी बढ़ाओ। तो देखो देख बेटा, ये एच आर है और एच पी है, ये क्या है एच आर और ये एच पी है, इसको देख के नहीं लग रहा एच पी, इसमें एच पी क्या है, इसको देख के क्या पता लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है एच पी एच आर से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ एंडोथर्मिक का है, और इसको देख के पता लग रहा है एच पी एच आर में से कौन बड़ा है, एच आर जो है एच पी से बड़ा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये ग्राफ एक्सो का आता है, ऐसे पता लगता है कौन इंडो का बनेगा और कौन एक्सो का बनेगा, ये मैंने आपको इसे कहा दिया है। चलो जी अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने बोला डेल्टा एच एम को दे रखा माइनस 140 का एक्सो, तो मैं सबसे पहले एक्सो का ग्राफ बनाऊंगा, एक्सो का ग्राफ ये लीजिए, ये हमने एक्सो का ग्राफ बना दिया, ये एक्सो का ग्राफ, ये जो नीचे आता है ना ये एक्सो का ग्राफ बन जाएगा, एक्सो का ग्राफ ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए, क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा 100, ये 100 दे रखा है, ये 100 दे रखा है, और एक हमको क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एच दे रखा है, आपको याद इसको डेल्टा एच बोलते हैं, और डेल्टा एच हमको दे रखा है 140, हमसे पूछ रहा है बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी का, मतलब ये पूछा जा रहा है ये, और ये क्या होगा 140 प्लस 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 240 किलो जूल, आंसर 240 किलो जूल। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना बेटा, ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये तो एक्सो का है, अगर एंडो का क्वेश्चन आता तो ग्राफ को नीचे की जगह ऊपर खत्म कर देते और ऐसे कैसे इसका क्वेश्चन बना लिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखा है 2AB से हमने बना दिया, A2 प्लस B2 इज 159.7 किलोजूल पर मोल एट 500 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, और क्वेश्चन के अंदर अच्छा इसे मल्टीप्लाई दे रखा है कि 2.3 इनटू 8.314 इनटू 500, इन सब का मल्टीपल है 9561.6, मतलब कैलकुलेशन और आसान करने के लिए आपको ऐसा दे रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमसे क्या पूछा जा रहा है, अंडरलाइन करो, हमसे पूछा जा रहा है, हमसे इसने बोला कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी हमसे पूछ रहा है ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताओ जिनका जो एक्टिवेशन एनर्जी है या जिनका एनर्जी है ना वो एक्टिवेशन की इक्वल या उससे ज्यादा है, और आप अच्छे से लोग समझते होंगे ऐसे मॉलिक्यूल को फ्रैक्शन को बोलते हैं e^-ea/RT, और ये क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा जा रहा है, ये जो लिखा ना मैंने e^-ea/RT इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल का एनर्जी एक्टिवेशन के इक्वल या उससे ज्यादा हो ऐसे मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, और इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है e^-ea/RT से। तो क्वेश्चन वगैरह जब आता है ना तो आपसे ऐसे नहीं बोलेगा कि e^-ea/RT निकालो, या आपसे बोलेगा ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन निकालिए जिनका एनर्जी एक्टिवेशन के इक्वल या उससे ज्यादा है, तो आप समझ लेना हमसे e^-ea/RT की कैलकुलेशन करवा रहा है। चलिए जी इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो आप जानते हैं आरएनएस इक्वेशन होता है k = a e^-ea/RT, आरएनएस होता है, हम इसको से लिखते हैं k = e^-ea/RT, तो आप या तो ऐसे बोल दीजिए हमको e^-ea/RT की वैल्यू निकालनी है, या भी बोल सकते हमको k/a निकालना है, k/a भी तो ये होगा बेटा, देखो वैल्यू पुट करें e^-ea, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो वैल्यू पुट कर रहे ना वो देख लीजिए ना, ea का वैल्यू क्या दे रखा है 159.7 किलो जूल में दे रखा है, अपॉन आर किलो जूल है ना, ए अगर किलो जूल है तो आर भी किलो जूल रखेंगे, किलो जूल आता है 8.314 अपॉन 1000, ये 1000 आ गया, इनटू टी, और टी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 500 केल्विन, ये 500 आ गया, ये लिखा तक आ गया, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका लॉग लिया, अब ई पावर है तो लॉग भी ई भी लेना पड़ेगा बेटा, उसका लॉग लिया लॉग ई बेस के अपॉन ए इक्वल टू आ जाता है माइनस 159.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 500 इंटू लॉग ई बेस ई, लॉग ई बेस ई की वैल्यू होती है 1। चलो जी
अभी जो लोग है ना वो हमारे पास ई बेस में, इसको 10 बेस में चेंज करता हूँ तो 10 बेस में चेंज करूंगा तो यहाँ पर 2.303 आएगा, उस 2.303 को मैंने उधर डिवाइड कर दिया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लोग के अपॉन ए इक्वल टू 2.30 को डिवाइड किया माइनस 159.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है जी, अब देखो पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा इन सब का मल्टीपल दे रखा है, इन सब का मल्टीपल दे रखा है तो इन मल्टीपल की वैल्यू पुट करें, मतलब कैलकुलेशन तो हमने आपको ऑलरेडी आसान बना दिए तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो जो लोग के अपॉन ए आता है ना यह तो बेटा मैंने 16.7 मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो यहाँ से अगर के अपॉन ए निकाला जाए तो के अपॉन ए को लिखेंगे हम एंटी लॉग ऑफ माइनस 16.7 का एंटी लॉग लेना है। अरे यार अभी बताया था ना नेगेटिव डेसिमल का एंटी लॉग कैसे लिया था, फिर वापस आ गया भाई तो क्या लिखते थे एंटी लॉग 1 माइनस 1 में से माइनस करते थे और डेसिमल के बाद की वैल्यू विद डेसिमल तो ये 0.7 माइनस कर दिया इंटू 1 इंटू 10 to power माइनस 1 में ऐड करना है डेसिमल का पहले का नंबर और डेसिमल के पहले का नंबर 16, ये 16 आ गया, इसको वैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा हमने एंटी लॉग ऑफ 0.3 इंटू 10 to power माइनस 17 हम यहाँ तक आ गए 10 to power ये लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.3 इंटू 10 to power माइनस 17 आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.3 आप जानते हैं लॉग 2.30 होता है तो 0.30 एंटी लॉग क्या लिखेंगे 2 तो आंसर आ जाता है 2 इंटू 10 to power माइनस 7 ये हमने के अपॉन ए का वैल्यू निकाल लिया, या तो आप के अपॉन ए बोल सकते हैं या इसे को बोल सकते हैं हमने ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी का वैल्यू निकाल लिया, या आप ऐसे बोल सकते हैं हमने एक तरह से एक्टिव मोलिकूल का फ्रैक्शन निकाल लिया है, एक्टिव मोलिकूल का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मोलिकूल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 2 × 10⁻¹⁷ ऑप्शन चेक करें बेटा 2 × 10⁻¹⁷ बी आंसर है 2 × 10⁻¹⁷। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो इस क्वेश्चन के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल या ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिनका एनर्जी एक्टिवेशन या उससे ज्यादा हो वो होता है ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा दिया, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये आने के चांसेज होते हैं इनके, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है इनके अंदर, कोई बात नहीं आपको सिखा दिया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.0693 मिनट इनवर्स स्टार्टिंग विद 10 मोल द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 20 मिनट ऑप्शन दे रखा है 4। इसमें रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमको दे रखी है, रेट कांस्टेंट है 0.0693 मिनट इनवर्स, रेट कांस्टेंट को देख के पता लग रहा है क्वेश्चन बेटा जी फर्स्ट ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है मिनट इनवर्स है ना, इससे क्या पता लग गया क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ऑर्डर का है। आगे बोले स्टार्टिंग विद 10 एम, इसका मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको दे रखा है 10 एम, ये 10 एम दे रखा है, हमसे रेट पूछ रहा है कब 20 मिनट के बाद, हमसे पूछ रहा है 20 मिनट के बाद इसका रेट कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को एकदम स्मार्टली हैंडल करना है, आपको के दे रखा है तो सबसे पहले क्या करें कैसे इसका हाफ लाइफ निकाल लो, कैसे हाफ लाइफ निकाले, हाफ लाइफ होता है ना बेटा जीरो पॉइंट, हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन के की जगह रखा 0.693, इससे पता लगा इसका हाफ लाइफ है 10 मिनट, इसका हाफ लाइफ कितना है 10 मिनट और हमसे कितने टाइम के बाद बात कर रहा है 20 मिनट। अरे तो बहुत आसान हो गया ना, देखो उधर आपको क्या बोला इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है 10 है, 10 है, 10 दे रखा है ना, तो ये बताओ अगर इनिशियल 10 है ना तो हाफ लाइफ अगर 10 मिनट है तो 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 20 मिनट का मतलब ये नहीं हुआ एक तरह से नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर देखें तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 20 अपॉन 10 करें तो क्या इसके दो हाफ लाइफ नहीं हो रहे क्या, इसका मतलब हमसे पूछना चाह रहे दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो आपको पता है अगर इनिशियल में कंसेंट्रेशन 10 है, देखो बेटा अगर इनिशियल में कंसेंट्रेशन 10 है तो आपको पता है जैसे एक हाफ लाइफ पूरा होगा, एक हाफ लाइफ पूरा होने के बाद कंसेंट्रेशन क्या होगी 5 और दो हाफ लाइफ पूरा होने के बाद कंसेंट्रेशन आ जाएगी 2.5, ये तो होगा ना, ये हो गया ना, इसका हाफ लाइफ 10 मिनट और इसका भी हाफ लाइफ 10 मिनट,
टोटल मिला के अगर 20 मिनट ये लीजिए, तो हमें से बोल सकते हैं कि हमें से बोल दें कि 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हो जाता है 2.5। हमसे रेट पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट क्या होगा? रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन की पावर 1 होती है। रेट कब लिख रहे हैं? रेट लिख रहे हैं 20 मिनट के बाद, तो के, और के तो वही रहता है 0.0693। अब आप रेट अगर 20 मिनट के बाद लिखोगे तो कंसेंट्रेशन भी 20 मिनट के बाद का लेंगे ना, और 20 मिनट के बाद का कंसेंट्रेशन है 2.5 और यूनिट बन जाती है मोल पर लीटर पर मिनट। देखिए तो आंसर क्या दे रखा है, आंसर ये आ जाएगा ना 0.0693 × 2.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर प्रोसीड विद हाफ लाइफ ऑफ 500 मिनट एट पीएच इक्वल टू 2 फॉर एनी कंसेंट्रेशन ऑफ सुगर। एनी कंसेंट्रेशन ऑफ सुगर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। क्या बोला कि आप सुगर की कंसेंट्रेशन कुछ भी रखो, सुनो क्या बोला इसमें, आप सुगर का कंसेंट्रेशन कुछ भी रख लो, अगर पीएच 5 है ना तो हाफ लाइफ तो 500 ही होगा। यानी ये कहना चाह रहा है इसका जो हाफ लाइफ है, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि इसका जो हाफ लाइफ है ना, इसका हाफ लाइफ सुगर की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और आपको पता है अगर हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो हमको पता लग गया कि ये जो रिएक्शन है वो सुगर की कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो सुगर का पावर तो 1 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, कैसे करा समझो, एनी कंसेंट्रेशन ऑफ सुगर, सुगर का कंसेंट्रेशन कुछ भी रखो, हाफ लाइफ तो 500 ही रहेगा जब इसका पीएच 5 है। यानी इसका जो हाफ लाइफ है वो सुगर की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो सुगर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर बन गया नंबर 1। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड समझना, इसने क्या बोला क्वेश्चन में, कह रहा है इसका जो हाफ लाइफ है, समझना क्वेश्चन कह रहा है इसका जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ दे रखा है 500 मिनट, कब, जब इसका पीएच है, जब इसका पीएच है 5, पीएच 5 है। अच्छा पीएच 5 का मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एच प्लस एन का कंसेंट्रेशन 10^-5। फिर क्या बोला है, अगर पीएच 6 कर दूं, पीएच 6 करने का मतलब एच प्लस एन का कंसेंट्रेशन कितना कर दिया, 10^-6 कर दिया, तो बोल रहा है तो हमारा जो हाफ लाइफ है वो आ रहा है 50 मिनट। लीजिए देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ो, हाउएवर इफ पीएच इक्वल टू 6 हाफ लाइफ चेंज टू 50 मिनट। ठीक है, अब देखो इसको समझना, इसको बने से देखें कि जब हमने एच प्लस एन की कंसेंट्रेशन 10^-5 से 10^-6 कर दी, तो पहले तो बताओ 10^-5 से 10^-6 का मतलब कितने टाइम्स हुआ। टाइम्स देखने का तरीका, 10^-6 को 10^-5 से डिवाइड कर दो तो क्या ये 1/10 नहीं आ रहा है, तो बोल देंगे एच प्लस एन की कंसेंट्रेशन हो रही है 1/10 टाइम्स। अच्छा हाफ लाइफ कितना हो गया, पहले 500 था अब कितना हुआ 50। टाइम्स देखने का तरीका, फाइनल अपॉन इनिशियल 50 को 500 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 1/10 टाइम्स आ गया। इसको देख कैसे नहीं लग रहा, एच प्लस एन की कंसेंट्रेशन को 1/10 टाइम्स किया तो हाफ लाइफ भी 1/10 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ऐसे बोल सकते इसका हाफ लाइफ एच प्लस एन की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी 0 ऑर्डर के अंदर। इसका मतलब एच प्लस के रेस्पेक्ट में है 0 ऑर्डर, तो लिख देंगे एच प्लस के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर। अरे यार बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर दिया जाएगा इसके लिए भी आंसर देंगे, सुगर की पावर 1 और एच प्लस की पावर 0। समझ गए क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 100 मिनट, व्हाट इज द हाफ लाइफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे बोला 90% को कंप्लीट होने में अगर 100 मिनट लगता है तो हाफ लाइफ क्या होगा, तो क्या करो 90% में अगर 100 मिनट लग रहा है इससे के निकाल लो और के से फिर हाफ लाइफ निकाल लो। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला होता है 2.303/t 100 log a, 100/a-6, 90% कंप्लीट हुआ तो बचेगा तो 10 ना, और ये बनेगा log 10, log 10 1 होता है, तो k इक्वल टू हमारे पास आ गया
2.303/100 और यह आ जाएगा मिनट इनवर्स के अंदर। यहां तक आ गए, हमसे हाफ लाइफ बोला जा रहा है। हाफ लाइफ लिख देना बेटा 0.693 अपॉन के, और आपको बोल रखा है 0.693 को लिखा करें 2.303 × 0.3010 अपॉन के की जगह हमने लिख दिया 2.303/100। इसको सोल्व करें, आंसर आ गया इसके लिए 30 मिनट। ये लीजिए 30 मिनट का आंसर है, आंसर आ जाएगा डी, 30 मिनट इसका आंसर है डी, डी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट ले लूं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े पहले, रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस फोर फोल्ड का मतलब 4 times व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 16 times। हमसे बोला कंसंट्रेशन को 16 times किया तो रेट 4 times हो गया, 16 times कंसंट्रेशन करने पर रेट 4 times हो गया, तो सीधा सीधा हमको पता लग रहा है कि इसका जो रेट है वो लिखा जाएगा कि कंसंट्रेशन की पावर 1/2, क्योंकि अगर पावर 1/2 होगी तभी तो बोलेंगे ना कंसंट्रेशन को 16 times करेंगे तो रेट 4 times हो जाता है। आगे देखा क्या बोल रहा क्वेश्चन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस अ फोर फोल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस 16 times। आगे देखें, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 4 × 10^-6 मोल पर लीटर पर सेकेंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दिस देन रेट कॉन्स्टेंट विल बी, रेट कॉन्स्टेंट तो पूछ रहा है बेटा। अच्छा रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 4 × 10^-6, ये तो रेट दे दिया इक्वल टू के, ये हमसे पूछा जा रहा है, और कंसेंट्रेशन वो हमको दे रखा है 4 × 10^-4, इसका पावर 1/2। इसको सॉल्व करें तो 4 × 10^-6 इक्वल टू के, और ये बनता है 2 × 10^-2, हमको के लेकर आना है तो के इक्वल टू आ जाता है 2 × 10^-4, यूनिट देखें तो यूनिट क्या बनेगी इसके लिए, यूनिट बन जाती है मोल, रेट कनेक्ट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड तो पावर 1 और 1/2 तो बन जाएगा मोल का पावर 1/2 लीटर पावर माइनस 1/2 × सेकेंड इनवर्स, आंसर दे देंगे ए, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉलोइंग ग्राफ, और ग्राफ आपको दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, रिएक्शन दे रखा है A3 से M3 बना दिया, द टाइम T1 करस्पॉन्ड टू, और ये बोला है कि ग्राफ में जो टाइम T1 है ना तो T1 क्या बता रहा है ये हमको बताना है, समझना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमको दे रखा है रिएक्शन क्या दे रखी है A3 से A3 बना दिया। ठीक है, हमने बोला कि जब T=0 है इनिशियल में इसका कंसेंट्रेशन ए तो जीरो होगा, टाइम टी पर क्या लिखेंगे ये हो जाएगा A-X और ये लिखा जाएगा 3X। इसमें देखो ये जो ग्राफ है ना ये जो T1 टाइम है T1 टाइम पे ऐसे नहीं लग रहा जैसे A3 और A दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल हो गया, और ये तो बोला टाइम टी पर हो क्या रहा है कि A3 और A दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल हो रहा है। A3 का कंसेंट्रेशन कितना है, A3 का तो है A-X और A का कंसेंट्रेशन कितना है 3x, इसको सोल्व करें तो यहाँ सबको पता लग रहा है x इक्वल टू आ जाता है a/4 आ गया। अगर x a/4 है तो बेटा जी a-x क्या होगा तो वो तो 3a/4 होता है ना, उसकी जरूरत भी नहीं, x a/4 है तो a/4 का मतलब क्या हुआ कि इसका 1/4 पार्ट चला गया, अगर 1/4 चला गया इसका मतलब उस टाइम को बोलेंगे ना t1/4, ये t1/4 आ जाएगा, तो जो t दे रखा है ना t है हमारे पास में t1/4, ये t आ जाएगा देखो अगर 1/1 होता है ना तो बिल्कुल वैसे करते हैं, t=0 पे क्या होता है a, ये 0 होता, टाइम t पर क्या लिखते हैं a-x और इसको आप x लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं वहां पर a और b दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल हो गया तो आप ऐसे लिखते हैं ना a-x = x, यहां से देखें x = क्या आ जाता
एक्स इक्वल टू ए बाई टू, जब एक्स ए बाई टू आया तो टी की जगह लिख देते आप टी वन बाई टू, तो उस क्वेश्चन का टी वन बाई टू आ जाता, जगह आंसर बदल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, हमसे ऐसे बी ना बना के बोल दिया ऐसे टू बी, ये लो अब ऐसे टू बी है तो यहाँ क्या आएगा टू एक्स, और यहाँ क्या है टू एक्स, और इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो पता है क्या बनेगा, ये बनता है एक्स इक्वल टू ए बाई थ्री, एक्स इक्वल टू ए बाई थ्री का मतलब ए बाई थ्री चला गया, तो टी की जगह लिखेंगे टी वन बाई थ्री, ऐसे देखा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने आपको एक मेथड बता दिया है, ठीक है जी बेटा। तो ये आपके मैंने केमिकल प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन कराए, तो आप इन क्वेश्चन की बेटा जी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो इन सारे क्वेश्चन को बना लोगे तो आपके चैप्टर का पूरे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।